कितना सीधा, कितना सच्चा। तो भाई लोग कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों इस तरह का वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोगों को इस तरह का वीडियो बनाने नहीं आ रहा है। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाना बहुत आसान है मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको एक ऐप की आवश्यकता पड़ जाएगी और एक गर्ल वाले वीडियो की आवश्यकता पड़ जाएगी। इन सभी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस ऐप को ओपन करेंगे, फिर यहाँ से प्लस के आइकन पर एक बार क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से 9016 का एक्सपायर्ड रेशो ले लेंगे, फिर यहाँ मीडिया का ऑप्शन दिख जाता है तो मीडिया के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ बैकग्राउंड का पे आ जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड को ले लेंगे, फिर इस बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे। 8-10 सेकेंड का बैकग्राउंड यहाँ से ले लेंगे इतना बड़ा, फिर साइन के ऑप्शन पर टिक कर देंगे। फिर यहाँ लेयर के ऑप्शन पर चले जाएँगे, फिर मीडिया के ऑप्शन पर चले जाएँगे और यहाँ से मोबाइल वाले वीडियो को ले लेंगे, गर्ल वाले वीडियो को। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद यहाँ कैंची के बगल में जो बॉक्स दिख जाता है उस पर एक बार क्लिक करेंगे बॉक्स के ऑप्शन पे, और यहाँ पे स्क्रीन को बड़ा करके ओके कर देंगे। दोस्तों इतना कर देने के बाद फिर से अपने वीडियो क्लिक करेंगे और नीचे के साइड में क्रोमा की का ऑप्शन दिख जाता है, इसको इनेबल कर देंगे और की कलर को आपको ग्रीन ही रखना है और परसेंटेज को इस तरह से आगे पीछे करके मोबाइल पर से ग्रीन कलर को हटा देना है, फिर साइन के ऑप्शन पर ऊपर टिक कर देना है, टिक मार देना है, मतलब उस पर क्लिक कर देना है। इतना हो जाता है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ फिर से हमको लेयर के ऑप्शन पे चले जाएंगे, फिर मीडिया के ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से एक इमेज सेट कर लेंगे जो आपको इमेज मोबाइल पर लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अपने एक इमेज ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद कुछ इस तरह से छोटा या जूम कर लेना अपने हिसाब से, फ़ोटो को देख लेना आप। तो मैं देख सकते हो कि मैं यहाँ इस तरह से सेट कर रहा हूँ और नीचे के साइड में इधर 3 डॉट का ऑप्शन दिख जाता है, डिलीट के नीचे 3 डॉट का, इस पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे इमेज को। इससे यह होगा कि हमारा इमेज जो है मोबाइल के अंदर पूरा ठीक से फिट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अपने इस इमेज क्लिक करेंगे और जितना बड़ा वीडियो है उतना बड़ा इमेज को इस तरह से बड़ा कर लेंगे। दोस्तों इतना पड़ा कर देने के बाद दोस्तों अब स्टार्टिंग में आ जाते हैं यहाँ से, तो इतना सेट कर लेते हैं पहले, तो सेट हो जाता है। अब स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ से एक बार वीडियो का आपको चला के दिखा देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों कि मेरा वीडियो जो है इस तरह से सिंपल अभी बन के तैयार हो चुका है। आगे के साइड में देख सकते हो कि मेरा कुछ बैकग्राउंड एक्स्ट्रा हो गया है, तो मैं यहाँ से अपने इस बैकग्राउंड को एक बार क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को एक बार क्लिक करता हूँ, फिर कैंची के ऑप्शन पे आएंगे और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके फिर ओके कर देंगे, हमारा बैकग्राउंड यहाँ से कट जाएगा। अब स्टार्टिंग में चले आएंगे। अब यहाँ ऑडियो सेट करना चाहते हो तो आप ऑडियो के ऑप्शन पे चले आना और यहाँ आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऑडियो हो मेमोरी में वो अपना ऑडियो ले लेना। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, मेरे मोबाइल फ़ोन में ये वाला ऑडियो है, तो मैं यहाँ से किसी एक ऑडियो पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ प्लस के आइकन में क्लिक कर दूँगा, हमारा ऑडियो जो है यहाँ लग जाएगा और फिर साइन के ऑप्शन में टिक कर देता हूँ। दोस्तों मेरा अब पूरा काम यहाँ पे फिनिश हो चुका है, अब इसको सेव करना है। तो यहाँ शेयर का ऑप्शन दिख जाता है, तो शेयर के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाता है, तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा दोस्तों वीडियो जो है 2-3 सेकंडों में बन के मोबाइल फ़ोन के गैलरी में चला आएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो। धन्यवाद।